अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मोबाइल स्क्रैप व्लॉग्स। दोस्तों आज के व्लॉग में बात करेंगे कंप्यूटर की स्क्रैप के मतलब, P4, 3, 2 वीजे कार्ड के मतलब आपको बताएंगे, रैम के मतलब बताएंगे, स्क्रैप में इनका रेट कैसा चल रहा है। सर्दी बहुत थी, वीडियो बनाने में लेट हो जाता हूँ मैं काम की वजह से। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। तो वीडियो आपको बताइए किस टॉपिक पर होगी। इसके अलावा मैं नोकिया के जो रेट हैं वो आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। उनका रेट पहले से मज़ीद अच्छा हुआ है, कंप्यूटर की एसेसरीज़ का रेट भी मज़ीद अच्छा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में बहस करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक लाजमी करना है सारी को आप देखते हैं। और अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। आपने जो भी बात पूछनी है जिस टॉपिक पे भी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब लाजमी दूंगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं P4 के बारे में। P4 को आपको बताया है कि इसकी पहचान के बारे में पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, रेट भी आपको अपडेट किया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि मैं P4 किसे बोल रहा हूँ। जो हजरात काम करते हैं स्क्रैप का उनको पता है कंप्यूटर की किस मदर को P4 कहते हैं। तो जो P4 का रेट है वो ज़्यादा हुआ है, मैं जिस रेट पर परचेज़ कर रहा हूँ P4 को वो ये रेट है, ठीक है। ये P4 का रेट है, आपको P3 का भी रेट अपडेट करूँगा। जो P3 का रेट है उसको मैं इस वक्त इस कीमत पे परचेज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। P2 वीजे कार्ड इनका भी रेट ये है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ रैम और नोकिया की, तो नोकिया के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं नोकिया अगर बात करूँ नोकिया के फी सर्किट के बारे में, फी पीस के बारे में, या पर किलोग्राम के हिसाब से मैं इसको कैसे परचेज़ कर रहा हूँ, इसी तरह अगर बात करें नोकिया के बारे में, ठीक है। नोकिया के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जिन दोस्तों को नहीं पता चलता नोकिया और चाइना के बोर्ड सेम टू सेम होते हैं, दोस्तों को नहीं पता चलता, तो अगर आप कहें कमेंट्स में कहें कि मैं इसके मतलब भी एक वीडियो बना दूंगा, आप बआसानी फिर नोकिया को चेकआउट कर सकते हैं कि ये वाला नोकिया का पीस है। अगर बात करूं नोकिया की, नोकिया के सर्किट के बारे में कि मैं एक पीस कितने का परचेज़ कर रहा हूं, या पर किलोग्राम के हिसाब से एक किलोग्राम मैं कैसे परचेज़ कर रहा हूँ नोकिया को, तो मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ। जो पर किलोग्राम इस वक्त नोकिया का रेट है, मैं जिस कीमत पे परचेज़ कर रहा हूँ वो इस कीमत में मैं नोकिया को परचेज़ कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके फी सर्किट के बारे में, पर पीस के बारे में, तो मैं पर पीस इसको इस कीमत पे परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नोकिया और रैम का तकरीबन रेट जो है ना वो सेम ही है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। और दोस्तों और भी चीज़ों के जो रेट हैं वो अपडेट हुए हैं, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह, कल या परसों वीडियो बना दूंगा। और जिस टॉपिक पे आपने पूछना है, जिन चीज़ों का रेट पूछना है, आप कमेंट्स में पूछें, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, सपोर्ट किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, कमेंट्स में लाजमी बताया करें। तो दोस्तों अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।